नमस्कार दोस्तों, ये देख रहे हैं आप, ये है जेड प्लांट और जेड प्लांट की बनी हुई ये टोपियारी है। ये जो मोर की शेप की टोपियारी बनी हुई है, तो जेड प्लांट के आज मैं आपको बताऊंगी कि कैसे आप केयर कर सकते हो, किस तरह से इसको इतना अच्छा ग्रो कैसे करता है ये, और इसका क्या क्या आपको ध्यान रखना चाहिए। तो आप देख रहे हैं, ये जो जेड प्लांट है इसको धूप की ज़रूरत होती है, मतलब प्रकाश, और इसको पूरी लाइट की ज़रूरत होती है। और इसकी पत्तियां आप देख रहे हैं, इन पत्तियों काफ़ी मोटी पत्तियां होती हैं, तो इन पत्तियों में खुद ही पानी होता है, तो इनको इतना ज़्यादा पानी देने की ज़रूरत नहीं होती है। जब आपको लगे अभी तो गर्मियाँ तेज हैं तो आप पानी डेली दे सकते हो, अदरवाइज इनका पानी जब बिल्कुल मिट्टी आपको लगे कि ये सूखी मिट्टी हो गई है थोड़ी, तभी इसमें पानी दें, तभी अच्छा ग्रो करता है। तो मैं आपको आज अपने जितने भी जेड प्लांट हैं उन सबको दिखाऊंगी। अभी आप देखिए, मैंने थोड़े दिन पहले ही इसकी कटिंग की थी, और जो भी इसकी कटिंग करते हैं उनको मैं ऐसे छोटे छोटे पॉट में कहीं भी डाल देती हूँ और वो बड़े हो जाते हैं आराम से। ये देखिए, इसमें भी मैंने यहाँ पर ये इस तरह से लगा दिया था, दिखाती हूँ अभी आपको। ये देखिए, इस तरह से हम लगा देते हैं और ये इस आराम से उग जाती है। अब इसमें से हम जो भी कटिंग करेंगे सारी उग जाएंगी इसकी। और ये देखिए, ये भी इसी तरह की कटिंग से लगाए हुए हैं, ये दोनों ही जेड प्लांट हैं। तो ये वाला भी इसी तरह से हमने उगाया था, इसके अंदर देखो कितनी बड़ी बड़ी ये आ चुकी हैं, और अब भी यहाँ से जैसे ये एक्स्ट्रा बढ़ गए हैं। हम कोई शेप का अगर बनाते हैं और अगर तो ये एक्स्ट्रास को अगर हम यहाँ तो यूँ लगा देंगे इसको, ये पूरा इसकी बॉडी फुल फिल भर जाएगी। और उसके अलावा जो होती हैं, जैसे ये एक्स्ट्रा निकल रहे हैं, ये देखिए, इनको कट करके इसके अंदर मिट्टी में सीधा डालेंगे हम, नीचे की दो तीन पत्तियाँ हैं उनको हटा देंगे और बस उग जाता है आराम से। और इसकी मिट्टी आपको बिल्कुल नॉर्मल मिट्टी जो पौधों के लिए बनाते हैं, मैं नॉर्मल मिट्टी में ही उगाती हूँ। मिट्टी ऐसी नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल टाइट मिट्टी नहीं होनी चाहिए, बस उसमें है ना ये अच्छे से इसके अंदर पानी आराम से जो नीचे निकल जाता है वैसी एकदम ड्रेनेज वाली मिट्टी होनी चाहिए, जिसका पानी अच्छे से निकल जाता हो। और इसको आपको धूप में चाहे ना रखें, मेरा तो इसमें 2 बजे के बाद खूब धूप आती है, पूरा धूप आती है, और आप देख सकते हैं ये कितना अच्छा ग्रो करता है, देख ही रहे हैं। और जो अंदर अगर आप रूम में रख दोगे ना, तो रूम में ये नहीं बढ़ेगा। आप सोचते हो कि ये इंडोर प्लांट भी है, ये इंडोर प्लांट बिल्कुल नहीं है, इसको आप आराम से धूप में रखिए। और ये देखिए, दूसरे टाइप का ये जड़ प्लांट है, ये ऊपर बढ़ता है इस तरह से, वो तो ड्रॉपिंग वाला था और ये इस तरह से ऊपर बढ़ने वाला है। इसकी भी कटिंग इस तरह से लगाई थी और ये अच्छा चल पड़ा है। देखिए इस मौसम में इसको पानी में बहुत, क्योंकि ये सिरेमिक पॉट में लगा हुआ, तो सिरेमिक पॉट में होल एक ही होता है, उसके अलावा इसमें पानी निकलने का कोई सोर्स नहीं होता है। तो इसको आप पानी करीब, जैसे ही आपको मिट्टी लगे गीली गीली नहीं है और सूख रही है, बिल्कुल सख्त हो चुकी है, तब आप इसमें पानी दीजिए, कम पानी देने से ही सही रहता है। ये भी सिरेमिक में लगे हुए हैं देखिए, और छोटे छोटे पॉट में भी इसको लगा के आप बहुत सुंदरता ले सकते हो इसकी। ये देखिए, मैंने एक ये कप में लगाए हुए हैं, आपको दिखाए थे, एक कप में भी आराम से चले हुए हैं। जो कप है ना, थोड़ा सा टूट गया था तो उसमें लगा दिया था। और ये एक टोपियारी, गोल वाली टोपियारी बनाई है मैंने, उसके अंदर भी लगाया हुआ है। ये देखिए, एक ये मतलब एक मिटकी टाइप थी मेरे पास, उसमें लगा दिया था तो उसमें भी लग गया आराम से। किसी भी तरह से इसको आप शेप दे सकते हो, बहुत सारी शेप वाले हैं मेरे पास ये, और ऊपर एक हैंगिंग में भी लगा हुआ है। ये देखिए, इसको एक डक टाइप की शेप दे रखी है, तो इसमें भी देखिए कितना सुंदर ये दिख रहा है, अच्छा लगा हुआ है। और एक शिवलिंग पर भी मैंने एक लगाया हुआ है, ये देखिए, यहाँ पे शिव जी रखे हुए हैं, यहीं पर ये इसमें 2 चीज़ लगी हुई हैं। देखिए, एक बेलपत्र भी इसके अंदर ही लगा हुआ है और इसी में ये जेड प्लांट लगा हुआ है। अभी थोड़े दिन पहले ही मैंने इसकी कटिंग की थी, अब देखिए वापस ही अच्छे से अब बढ़ गए हैं। इनको भी हम इसके अंदर इस तरह से लगा देंगे तो ये बहुत सुंदर लगते हैं।
केयर का यही है कि इसको पानी आपको कम देना है, ज़्यादा गीली एकदम सोगी सोगी सी मिट्टी हो जाए वो उसमें ये ख़राब हो जाता है। तो आपको इसे सबसे ज़्यादा ध्यान इसका, और कुछ भी नहीं रखना है इसको बहुत ज़्यादा। मैं खाद तो देती नहीं हूँ इसको, खाद वाद कोई देने का काम नहीं है। कभी कभी लिक्विड जो खाद बनाते हैं वही इसमें दे देती हूँ। ये देखिए दोनों, ये जो स्वान है उनके अंदर ये लगा हुआ है, इतना सुंदर दिख रहा है। दोनों में ही एक जैसा लगाया हुआ है, और छोटे छोटे इनमें भी लगा देते हैं तो आराम से चल पड़ता है ये, कोई भी दिक्कत नहीं है। बहुत ही हार्डी प्लांट है, आराम से चल जाता है। ऊपर हैंगिंग में लग रहा है उसको, तो अब मैं छत पे लगा हुआ था उसको तो मैं क्या दिखाऊँ, जाना पड़ेगा। एक ये देखिए पिछली बार की कटिंग की मैंने इसके अंदर डाल दी थी, ये दो लक्ष्मी कमल उगे हुए हैं इसके अंदर। ये देखिए इसमें मैं बहुत ही कम पानी डालती हूँ, और इसको धूप में रखना यानी कि उजाले में, आपको इसकी इनडायरेक्ट सनलाइट में भी इसको रख सकते हो, तो जहाँ पूरी लाइट आती है, और डायरेक्ट में भी आराम से रख सकते हो इसको। तो ये ड्रॉपिंग वाला जेड प्लांट है जो नीचे की तरफ जाता है बढ़ने के बाद, इसलिए इसको शेप देना आसान होता है। इसकी शेप इतनी, और ये इस तरह का बना हुआ है ये देखिए। तो यही सब इसके बारे में जानकारी थी कि इसको बहुत ज़्यादा, सबसे ज़्यादा इसको ज़रूरत होती है लाइट की, वही इसकी खाद है, और कम पानी देना ये इसके लिए बहुत ज़रूरी है। तो इसको पानी बहुत ज़्यादा नहीं देना है। और ये दूसरे टाइप का, अगर आपके पास इस तरह का जड़ प्लांट है तो उसमें भी यही वो ऑप्शन है। अभी इस टाइम इसकी ग्रोथ का पीरियड है, ये देखिए नई नई पत्तियाँ इसमें भी अच्छी आ रही हैं बहुत। तो यही सब आपको इनका ध्यान रखना है, और जेड प्लांट को आप अच्छे से उगा सकते हो। जेड प्लांट वैसे भी बहुत शुभ प्लांट होता है, कहते हैं कि इससे धन वर्षा भी करता है, ये वेल्थ के लिए भी अच्छा होता है। तो आप जेड प्लांट लगाएं, अपने घर में ज़रूर लगाएं बहुत ही। और एक बार आपने अगर ले लिया है तो ये बहुत सारा फैल जाता है, आप इसके बहुत सारे मल्टीप्लाई कर सकते हो, बना सकते हो इसके। ये देखिए इस साइड से भी इस पीकॉक की शेप कैसी लग रही है। अभी इसको बस थोड़ा सा हमको शेप देना है, क्योंकि बहुत जल्दी जल्दी बढ़ रहा है, आजकल इसका टाइम पूरा बढ़ने का है। तो आप भी लगाइए इसको, और अपने घर पर हैप्पीनेस और धन वर्षा के लिए भी अगर इसको लगाएं तो बहुत शुभ रहेगा। तो इसे ज़रूर लगाएँ आप। ओके बाय दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर करें। बाय दोस्तों।